चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात ग्रामीणों ने नाकाबंदी के दौरान बाइक और कुछ संदेहास्पद चीजों को पकड़ा। डूंगरपुर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीती रात डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत सरोदा से सागवाड़ा मार्ग पर नया गांव के पास ग्रामीणों ने रात्रिकालीन गश्त के दौरान मुख्य मार्ग पर दो बाइकों को आते हुए देखा और उन्होंने बाइकों को रुकवाने का प्रयास किया, जिसमें एक बाइक तुरंत मौके से घूमकर फरार हो गई, जबकि एक बाइक चालक ग्रामीणों के हाथ में आ गया। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही दूसरी बाइक उनके नजदीक पहुंची, उन्होंने रुकवाने की कोशिश की तो वह घूमकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन घूमने के दौरान बाइक स्लिप होकर नीचे गिर गई और वह मौके से फरार हो गया। बाइक की तलाश लेने पर बाइक से पकड़ पाने और कुछ ऐसी वस्तुएं बरामद हुई जो ताले काटने के काम आती है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें तेज हो रही हैं और उसको देखते हुए ग्रामीण अपने स्तर पर गश्ती लगा रहे हैं और रात को किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति के नजर आने पर उसे रोककर तलाशी लेते हैं। इसी दौरान रात को दो बाइक आती हुई नजर आई, जिस पर चार व्यक्ति दोनों बाइकों पर दो दो व्यक्ति सवार थे। फिलहाल एक बाइक ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले ली और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को लेकर थाने पर पहुंची है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच पड़ताल पर जुट गई है। आखिर जो व्यक्ति बाइक छोड़कर फरार हुआ है किसी चोर के गिरोह के संपर्क में तो नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीण भयभीत हैं और अपने अपने स्तर पर गांव में चौकीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन इस पूरे घटना को इस घटनाक्रम को लेकर क्या कर रहा है? पिछले दिनों बरसिंहपुर गांव में चोरी की घटना का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। वहीं पाड़वा गांव में भी हाल ही में चोरी की घटना का जो घटना हुई इसका भी खुलासा करने में पुलिस नाकाम रही है। आए दिन हो रही चोरी की वारदातों को लेकर चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण और लोगों में भय का माहौल है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।